वेलकम टू BHO बे हिल्स ओगले में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं MPGK के टॉपिक के लिए। दरअसल ओगले IAS का ये चैनल है जहां एक्चुअली मैं आप लोगों को MPGK से रिलेटेड कई टॉपिक्स के साथ में यहां पर रूबरू कराऊंगा। दरअसल यहां पर हमारे पास में MPGK के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन पार्ट वन पार्ट टू एक्चुअली पार्ट थ्री के रूप में हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये ओगले IAS इंस्टीट्यूट है और हमारा इंस्टीट्यूट एमपी नगर यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल यानी कि राजधानी में एमपी नगर में लोकेटेड है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर पधारिए और एक्चुअली अगर आप चाहें तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9713112001, यहां जरूर आइएगा। मेरा नाम है आशीष ओगले और मैं पिछले 12 सालों से लगातार सिविल सेवा के छात्रों को अपना मार्गदर्शन दे रहा हूं सफलतापूर्वक और एक्चुअली यहां से हम शुरुआत करते हैं और आज जिस टॉपिक पर हमारी बात होने वाली है दैट इज वी से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि MPGK। ये MPGK का पार्ट वन है ओके। और इस पार्ट वन में विशेष रूप से हमारे पास में हम लोग यहां पर बात करते हुए यहां से आगे बढ़ते जाएंगे और यहां पर पार्ट वन की बात ओके। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं तो बेसिकली मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गठन और राज्य के गठन की यदि बात करें तो इसकी शुरुआत हम करते हैं हमारे औपनिवेशिक काल यानी कि जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार के नाम से पुकारा जाता था और इस समय हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल इस समय 61 देशी रियासतें थी जब भारत यहां पर भारत में स्वतंत्र हुए हैं। विशेष रूप से यहां पर वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्हीं के माध्यम से देशी रियासतों का एकीकरण हुआ और भारत की पहली अनुसूची में भाग क और भाग ग के राज्यों को सम्मिलित कर लिया गया और इसी के माध्यम से हमारे पास में संविधान की पहली अनुसूची में इन सभी राज्यों का गठन किया गया। आगे चल करके वर्ष 1953 आता है यानी कि 1953 वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसमें दरअसल दो सदस्य यानी कि एच एन कुंजरू और के एम पणिकर भी थे। इनकी यदि बात करते हैं तो इनके द्वारा विशेष रूप से अपना प्रतिवेदन 1955 में सौंपा गया 1955 में इनके द्वारा जिस प्रतिवेदन को सौंपा गया इस प्रतिवेदन को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसी रूप में सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से हमारे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ और इस रूप में मध्य प्रदेश का गठन सर्वप्रथम 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य के रूप में गठित किया गया और आज भी हम लोग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। मध्य प्रदेश इसे तात्कालिक मध्य प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम दिया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों ही राज्य यहां पर गठित किए गए थे। एक तरफ मध्य प्रदेश था और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़। इन दोनों को मिलाकर के हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी यहां पर भोपाल रही। मध्य प्रदेश की जब इस समय राजधानी भोपाल को बनाया गया तो इस समय यह सीहोर जिले की एक छोटी सी तहसील थी, ये जिला नहीं था ओके। मध्य प्रदेश का गठन भाग क ओके भाग ख और भाग ग के राज्यों को मिलाकर तथा भोपाल की रियासत को मिलाकर किया गया था। दरअसल इसके अंतर्गत यदि बात कर सकते हैं तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जामिनेशन में यानी कि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, कई बार यहां पर पूछा भी गया है। इस समय मंदसौर की एक तहसील थी, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो इस समय मंदसौर की एक तहसील थी, इसका नाम था सुनेल टप्पा, इसे हमने राजस्थान को सौंपा और राजस्थान के कोटा जिले से सिरोंज नामक तहसील हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई और इस तरीके से हमारे पास में स्थिति तैयार होती है। आगे यदि बात करते हैं तो विशेष रूप से हमारे पास में प्रारंभ में इस समय जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था तो कुल 43 जिले थे यानी कि 43 और इस 43 जिलों के पश्चात आगे वर्ष 1972 में मतलब 1972 ओके यहां पर 1972 में दरअसल भोपाल और राजनांदगांव इन दो नवीन जिलों का गठन किया गया और इस तरीके से 43 और आगे चलकर के हमारे पास में कुल 45 जिले यहां पर हमारे मध्य प्रदेश में 1972 के पश्चात हो गए थे। आगे यदि हम बात करते हैं तो भोपाल यदि बात करें तो यहां पर भोपाल जो राजधानी थी अब वो भोपाल राजधानी विशेष रूप से हमारी एक जिले के रूप में 1972 के बाद गठित हो चुका था। 1998 में बी आर दुबे
तथा सिंहदेव समिति यहां पर गठित हुई और इन्हीं समितियों ने अनुशंसा दी, जिसमें मध्य प्रदेश में 10 जिले और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नवीन जिलों का गठन किया गया। ओके, तो ये क्या था, ये अगर हम कहें तो विशेष रूप से हमारे पास में 10 और 6 मतलब कुल मिलाकर के 16 जिले और नवीन स्थापित हो गए थे। इन 16 जिलों की तो स्थापना की गई और उसके पश्चात आगे हमारे पास में मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो इसी समय मध्य प्रदेश में दरअसल मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो इसमें कुल मिलाकर के 16 जिले छत्तीसगढ़ के साथ चले गए और फिर एक बार और मध्य प्रदेश में केवल मात्र 45 जिले ही रहे। ठीक है, तो ये क्या रहा, ये अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश की स्थिति थी। तो मध्य प्रदेश में इस समय दिखा है तो यहां पर 45 जिले थे, जबकि यहां पर छत्तीसगढ़ जो था इसके साथ में 16 जिले यहां शामिल हो गए। आगे अगर हम देखते हैं तो यहां पर वर्ष 2003 में 3 नवीन जिले यहां पर हमारे मध्य प्रदेश में गठित किए गए। मध्य प्रदेश में जो 3 नवीन जिले गठित किए गए इसके आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहां पर मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो इस समय हमारे पास में 45 यानी कि 45 यानी कि 45 जिले तो थे और ये 3 जिले और जब यहां पर तैयार हुए तो कुल मिलाकर के 48 जिले हो गए थे। कब, वर्ष 2003 में। खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर तथा शहडोल से अनूपपुर, इन 3 नवीन जिलों का गठन किया गया। आगे चलकर देखा जाता है तो वर्ष 2008 में 2 और नवीन जिलों का गठन हुआ। वर्ष 2008 में जिन 2 नवीन जिलों का गठन होता है इसके अंतर्गत विशेष रूप से हमारे पास 48 और प्लस 2 और मतलब कुल मिलाकर के 50 जिले हमारे मध्य प्रदेश में 2008 के बाद हो गए। और इनमें ये बात कर सकते हैं 2 नवीन जिले जो यहां पर स्थापित किए गए उनमें विशेष रूप से हमारे पास झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली 2 नवीन जिलों का गठन हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2013 में पुनः एक बार और हमारे मध्य प्रदेश में एक और जिला तैयार किया गया। वर्ष 2013 में शाजापुर से अलग होकर नया जिला आगर मालवा बना। यदि हम बात करते हैं तो 50+1 मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास में 51 जिले गठित हो चुके थे। आगे यदि हम बात कर सकते हैं तो 2018 में मतलब हाल ही में यदि बात कर सकते हैं तो एक नया और जिला टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना। और ये जो निवाड़ी है यदि बात कर सकते हैं तो यहां पर तैयार करने के साथ ही मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 52 जिले हो चुके हैं आज वर्तमान में। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के चारों ओर विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं। मध्य प्रदेश 4 राज्यों के साथ में अपने सीमाओं का निर्माण करता है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान है, तो वहीं मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व में आज छत्तीसगढ़ है, जबकि उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य है। इस तरीके से हमारे पास में 5 राज्य मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूते हैं। आगे यदि हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास में चर्चा होगी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना पर। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में विशेष रूप से हमारे पास में हम इसमें सम्मिलित करते हैं राज्य, संभाग, जिला, विकासखंड और तहसील। ये सभी यहां पर मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए एक क्षेत्र हैं। राज्य के नीचे संभाग, ठीक है, ऐसे हमारे पास में 10 संभाग रखे गए हैं और संभागों के नीचे जिला और ऐसे 52 जिले रखे गए हैं और जिलों के नीचे विकासखंड और कुल मिलाकर के आज 313 विकासखंड हैं और विकासखंड के नीचे तहसील और आज वर्तमान में कुल 412 तहसीलें हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब एक एक करके हम यहां पर विशेष रूप से हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के संभाग और संभागों में कितने जिले हैं उनको लेकर के बात करते हैं। यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में बात आती है श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये 3 जिले जो हैं वे विशेष रूप से हमारे पास में चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, ये 5 जिले हैं जिन्हें यहां पर ग्वालियर संभाग में यहां पर शामिल किया गया है। आगे यदि हम बात करते हैं तो यहां पर राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, ये 5 जिले हैं और इन 5 जिलों को भोपाल संभाग के अंतर्गत रखा गया है। आगे यदि हम बात कर सकते हैं तो होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ये 3 जिले हैं और इन 3 जिलों को नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत रखा गया है। आगे हमारे पास में है नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर और देवास, ये जिले जो हैं ये विशेष रूप से हमारे पास में उज्जैन संभाग के अंतर्गत रखे गए हैं।
आगे दिन बात करते हैं तो झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, इन्हें इंदौर संभाग में शामिल किया गया है। आगे दिन बात करते हैं तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये जिले रीवा संभाग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आगे दिन बात करते हैं तो शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ये तीन जिले हैं जिन्हें शहडोल संभाग में सम्मिलित किया गया है। आगे दिन बात करते हैं तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर, ये सभी सागर संभाग के भाग हैं। और अंतिम रूप से देखें तो यहां पर कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, इन सभी जिलों को जबलपुर। एक बार हम यहां पर और देख लेते हैं कि प्रत्येक यहां पर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है। जैसे चंबल संभाग की बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर के तीन जिले हैं। ग्वालियर संभाग की बात करते हैं तो यहां पर पांच जिलों को शामिल किया गया है। भोपाल संभाग में पांच जिले हैं। उज्जैन संभाग में सात जिलों को शामिल किया गया है, जबकि इंदौर संभाग में आठ जिले शामिल हैं। और यदि हम नर्मदापुरम की बात करते हैं तो इसमें तीन जिलों को शामिल किया गया है। जबलपुर संभाग में आठ, शहडोल संभाग में तीन जिले हैं और रीवा संभाग में कुल मिलाकर के चार जिले रखे गए हैं, जबकि सागर में। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान तक के प्रशासनिक गठन या मध्य प्रदेश के राज्य के गठन की एक कहानी हमारी पूरी हो जाती है। चलिए तो चलिए यहां पर मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ में लगातार आपके पास में आऊंगा। एमपीजीके के ये सारे वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होंगे, हर एक फैक्ट आपके लिए एक प्रश्न के रूप में है। तो ध्यान रखिएगा, प्लीज कंटिन्यू बने रहिए, और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले अगर पहली बार देख रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।